बॉलीवुड के मशहूर सिंगर केके की मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि केके कोलकाता के जिस नजरुल ऑडिटोरियम में परफॉर्मेंस दे रहे थे वहां कई खामियां थीं। ऑडिटोरियम में एसी का बंदोबस्त सही नहीं था। इसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि ऑडिटोरियम में क्षमता से अधिक लोग मौजूद थे। 2700 लोगों की कैपेसिटी वाले ऑडिटोरियम में करीब 7000 लोग पहुंचे थे। कई वीडियो में यह सामने आया है कि गर्मी बढ़ने पर केके ने लेजर लाइट्स को कम करने की बात भी कही थी, लेकिन उसे भी कम नहीं किया गया। यहां तक कि केके लगातार मैनेजमेंट से एसी का तापमान कम करने की गुजारिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया। आखिर में केके को घबराहट की शिकायत के बाद होटल के कमरे में ले जाया गया। कोई सुधार नहीं होने पर उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चूँकि शो एक कॉलेज की ओर से आयोजित करवाया गया था, ऐसे में एंट्री की कोई फीस नहीं थी, सिर्फ पास दिखाकर एंट्री मिल रही थी। ऐसे में 3 गुना ज्यादा लोग वहां पहुंच गए। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में केके के सिर और चेहरे पर चोट के निशान मिलने की बात भी कही जा रही है। बता दें कि परफॉर्मेंस के दौरान केके की तबीयत बिगड़ी और वह कंसर्ट वेन्यू से हड़बड़ी में बाहर निकले थे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में केके पसीने से तरबतर दिख रहे हैं। उधर कोलकाता पुलिस ने सिंगर केके की मौत के मामले में अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया है।